एक एक कर 500 रुपए के नोट जमीन पर बिखर रहे हैं। आप भी सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि माजरा क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं कि नोटों की बारिश कोई फरिश्ता नहीं, एक बंदर कर रहा है। आगरा के बाद सीतापुर में एक बंदर ने पेड़ से खूब नोट बरसाए। पेड़ से जब नोट रूपी फल बरसे तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भगवान दीन ने अपनी जमीन बेची थी और बिंदीश्वरी ने खरीदा था। उन्होंने भगवान दीन को पैसे दिए 1,00,000 रुपए। उनके हाथ से बंदर आया, छीन कर लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, फिर ऊपर से धीरे धीरे डालता रहा। उसमें से 4-5 हज़ार रुपये लगभग कम निकले और बाकी फटी नोटें निकली 40-50 नोट। और धीरे धीरे कर बीनते रहे। घटना लगभग 20 मिनट तक चलती रही। लूट का माहौल बनता रहा। जो ईमानदार थे वो जो पाते रहे वो देते रहे। और फटी नोटें इतनी फटी थी तो उसमें से शुमार ही नहीं लगा पाया कि कितने फटे नोट निकले हैं। अब आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल रजिस्ट्री कार्यालय में खैराबाद कस्बे के कासिमपुर गांव के बुजुर्ग भगवान दीन आए थे। उनके हाथ में नोटों की गड्डियां देखकर बंदर का मन मचल उठा। उसने झपट्टा मारा और 500 रुपए की गड्डी लेकर सीधे चढ़ गया पेड़ पर। पेड़ से ही वह नोटों की बारिश करने लगा। इस घटना का वीडियो कई लोग सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं। दरअसल भगवान दीन ने अपने बेटे के इलाज के लिए गांव के ही एक व्यक्ति को जमीन बेची थी। भगवान दीन के मुताबिक जब रजिस्ट्री कार्यालय आकर उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कराई तो उन्हें इसके बदले 1,00,000 रुपए मिले थे। जब तक पैसे को समेटकर वो बैग में रख पाते, वहां बैठे बंदर ने 500 के नोटों की एक गड्डी उठा ली। इसके बाद पेड़ पर चढ़ते ही बंदर नोटों की गड्डी खोलकर नीचे गिराने लगा। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बुजुर्ग समेत स्थानीय लोगों ने बंदर से नोट वापस लेने के लिए मशक्कत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पलक झपकते ही बंदर पेड़ की ऊपरी डाल पर पहुंच गया। पेड़ से नोटों की बारिश होते देखकर लोगों ने बुजुर्ग की मदद शुरू की। जमीन पर बिखरे नोटों को समेटकर उन्हें सौंपा गया। लाठी डंडों के सहारे बंदर को भगाया गया। बुजुर्ग के मुताबिक तकरीबन 7,000 के नोट खराब हुए हैं या फट गए हैं। इससे पहले मंकी डे के दिन आगरा की बाह तहसील में ऐसा ही कुछ हुआ था। यहाँ एक बंदर ने पहले तो गाड़ी की पिछली सीट पर रखे नोटों पर झपट्टा मारा। इसके बाद उसने पेड़ पर चढ़कर 500-500 रुपए के नोटों की बारिश शुरू कर दी थी। दरअसल बाह तहसील के जैतपुर निवासी राकेश बैनामा कराने के लिए तहसील आए थे। गाड़ी की पिछली सीट पर बैग में 5,00,000 रुपए रखे थे। गाड़ी खड़ी करने के दौरान शीशा खुला छोड़ना उन्हें महंगा पड़ गया था। Oh, okay. Okay.